राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, चलिएगा तो अंक ऐसे लिखा जाता है और आंख देखिए चंद्रबिंदी लगाई जाती है, कौन सा शुद्ध शब्द है? ए नंबर देखेंगे अंताक्षरी, बी नंबर देखेंगे सी नंबर देखेंगे या डी नंबर? तो बिल्कुल यहां पर जो आपका शुद्ध हो जाएगा अंताक्षरी नहीं होगा, अंताक्षरी होगा, बी नंबर वाला इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहां पर इसको देखना है, निम्न में से निम्नलिखित में से कह रहा शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, अंतर्गत है या फिर अंतर्गत है या फिर सी नंबर देखेंगे या डी नंबर, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर आपको राइट आंसर करना है, जो आपका अंतर्गत शुद्ध होगा तो वहां पर आप देखेंगे बी नंबर आपका, यहाँ पर ये अंतर्गत आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, फोर नंबर कह रहा संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है भाई, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है आपको बताना है, नुक्ता रेफ या फिर अनुनासिक या फिर अनुसार? तो भाई संगम शब्द में बताना है कौन सी अशुद्धि है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अनुनासिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। संगम में क्या है, संगम इस टाइप से आपका लिखा जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर सी नंबर अनुनासिक को याद रखेंगे, अनुनासिक आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द छांटना है, यहाँ पर आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको छांटना है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अभिराम या फिर अभिराम या फिर अभिराम या फिर अभिरम, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिराम यहाँ पर आपका राइट आंसर वही बनेगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, अशुद्ध वर्तनी वाले का चयन करें, महीना अनुग्रह क्रिया सप्ताह, तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कह रहा अशुद्ध आपको बताना है, महीना भी सही लिखा, क्रिया भी सही लिखा, सप्ताह अनुग्रह आपका गलत लिखा है, अनुग्रह कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रह ये आपका राइट आंसर वही बनेगा। सेवन नंबर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है, नंबर ए देखेंगे अनुग्रहित या नंबर बी अनुग्रहित या फिर सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर आप सेवन नंबर का करेक्ट आंसर सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा बी नंबर अनुग्रहित जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित ही आपका राइट आंसर बनेगा, अनुग्रहित बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। चलिए कह रहा एक ही वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है राज्य महल या फिर कोमलांगिनी या फिर औछड़ी या फिर निरोग, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे अपने अपने, तो यहाँ पर जो आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी डी नंबर, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजमहल नहीं होता, राजमहल होता आपका क्या होता है, राजमहल क्या होता भाई, राजमहल होता है यहाँ पर देखेंगे, और देखिए यहाँ पर आपका होता है कोमलांगी होता है, क्या होता है कोमलांगी होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी क्या होता भाई, कोमलांगी होता है, कोमलांगी ये वाला कोमलांगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग होता है भाई, निरोग का नहीं होता, निरोग होता है ये, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइन नंबर का, इसका राइट आंसर करिएगा, कह रहा एक शुद्ध वर्ड है आपका बताना है, खिवैया न्यौछावर निरपेक्ष या फिर अनानास, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, सी नंबर, सी नंबर आपका यहाँ पर आपका अनानास बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका शुद्ध हो जाएगा अनानास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ खेवैया की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या होता है, खेवैया होता है, क्या होता है, खेवैया आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका होता है न्यौछावर, क्या होता है भाई, न्यौछावर होता है, न्यौछावर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे निरपेक्ष ऐसे नहीं होता है, निरपेक्ष आपका ये निरपेक्ष लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टेन नंबर आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है, कौन सा आपको बताना है शब्द शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है अधिशासी या फिर अधिशासी या फिर अधिशासी या फिर डी नंबर, बिल्कुल यहाँ पर करेंगे कौन सा सही हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर लिखा है अधिशासी ए नंबर वो आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला अधिशासी इसका राइट आंसर बनेगा। इलेवन नंबर देखेंगे हके तुकी का शुद्ध रूप है, हके तुकी का शुद्ध रूप है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ए नंबर देखेंगे अहित की, अहित की या फिर बेतुकी या फिर अभितुकी, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है इसका कह रहा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप आपका जो बनेगा अहेतु की आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलौकिक का शुद्ध शब्द बताएं भाई, अलौकिक का शुद्ध शब्द यहाँ पर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 12 नंबर में देखेंगे अलौकिक का शुद्ध शब्द आपको बताना, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा
सी नंबर होगा या फिर डी नंबर होगा। तो यहां पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, अलौकिक का शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, सी नंबर, इसका 12 का सी नंबर आपका अलौकिक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, 13 नंबर कह रहा है, कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है भाई, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अधिकार होगा, अनुसरण होगा, अध्ययन हो गया, फिर आगामी हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए अध्ययन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई, सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है भाई, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 14 नंबर देखेंगे कौन सा शुद्ध है यहाँ पर, अंतर्धान या फिर सष्टम या सहस्त्र या फिर अनुसंगिक। तो 14 नंबर देखेंगे यहाँ पर आपको शुद्ध करना है क्या हो जाएगा, आपको बताना है क्या हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर, अंतर्धान यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर सष्टम में, यहाँ पर नहीं, सष्टम में ये होता है, सष्टम यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। और सहस्त्र होता है आपका, देखिए क्या होता है, सहस्त्र होता है, सहस्त्र। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुसंगिक, अनुसंगिक का क्या होता है, अनुसंगिक होता है, क्या होता है, अनुसंगिक। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, अनुसंगिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुसंगिक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा, अंतर्धान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा अंताक्षरी आपका बी नंबर वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। 16 नंबर देखें, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है, तो यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया ए नंबर अंताक्षरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, क्या होता है भाई, पूजनी होता है, क्या होता है भाई इसका, पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। तदुपरांत क्या होता है इसका, तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत, तदुपरांत इसका राइट आंसर होता है। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कव और प्लस इत्री ये वाला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। शुद्ध शब्द छांटना है 17 में, क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा शुद्ध शब्द, यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर देखिएगा सी नंबर, अभ्यस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा, अभ्यस्त आपका यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। जो लोग सी नंबर दे रहे हैं, सी नंबर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मोटे छपे उसको बताना, अत्याधिक व्यस्तता से जीवन निरस्ता से आ जाती है। तो अत्याधिक आपका इसका शुद्ध बताना है, अत्याधिक का कैसे आपका करेक्ट लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल यहां पर सभी लोगों को पता होना चाहिए अत्याधिक कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर ए नंबर अत्यधिक आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, ए नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं, ए नंबर उनका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर आपको सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है, अष्ट है या फिर अष्ट है या फिर अष्ट, किस तरह से आपका अष्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर में। तो भाई डी नंबर यहाँ पर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो यहाँ पर 20 नंबर में देखेंगे कौन सा हो जाएगा, अध्ययन होगा, अध्ययन होगा, फिर अध्ययन होगा या फिर अध्ययनन होगा। तो 20 नंबर में आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर अध्ययन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर आपको बता रहा है इन्हें चिन्हित कीजिए, अक्षुण्य या फिर अक्षुण्य या फिर अक्षुण्य या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी आपकी कहलाएगी, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अनाधिकार, अनाधिकार या फिर सी नंबर, अनधिकार या फिर डी नंबर। तो भाई किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अनधिकार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है आपको बताना है, ए नंबर देखेंगे, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो अभी हमने बताया अंतर्ध्यान का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, अंतर्ध्यान सी नंबर वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 24 नंबर जाएंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा हो जाएगा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर अनुग्रहित क्या हो जाएगा, अनुग्रहित आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का करेक्ट आंसर करेंगे भाई, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है शुद्ध छांटना है। तो भाई कौन सा शुद्ध हो जाएगा,
यहां पर देखेंगे आपको, यहां पर राइट आंसर करना क्या करेगा, तो बिल्कुल यहां पर आप करेक्ट आंसर करिएगा सभी लोग। यहां पर आपका राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, देखिए अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है क्या होता है भाई, अभ्यस्त होता है ठीक है ना, अहिल्या नहीं होता है, यहाँ पर कह रहा है अहिल्या होता है, क्या होता है भाई अहिल्या होता है, अहिल्या ठीक है ना। यहाँ पर देखिए महत्व में आपका कौन सा होता है, महत्व जो आपका लिखा जाता है ये वाला महत्व होता है, महत्व आपका ये वाला यहाँ पर होता है ठीक है ना। तत्व, तत्व कैसे लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर तत्व यहाँ पर आपका तत्व में जो आपका होगा ये वाला तत्व और का आवाज आएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर आपका कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका है चारों भाई अशुद्ध हो जाएंगे, तो वैसे देखेंगे आपका तत्व जो है ना तत्व ही राइट लिखा था, ये तत्व यही तत्व इस टाइप का, तो वैसे तो यहाँ पर देखेंगे आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध बताना है आपको, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध बताइए, वाक्य एवं वर्तनी आपको बताना है क्या हो जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध बताइए, आसक्ति है पारितोषिक है या फिर यहाँ पर सेकंड नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है 26 में क्या हो जाएगा। तो भाई किसकी भाई, पहले की आपकी वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल, देखिए आ सकते हो पारितोषिक आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो ये आपका दिया गया है ये आपका अशुद्ध है, यहाँ पर इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो वाला सरा बनेगा, ये सरा बनेगा, तो आपका यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर ये हो जाएगा। और इस पर इसमें देखेंगे सुबुद्धि, तो सुबुद्धि यहाँ पर देखेंगे सुबुद्धि में आपका ये वाला सा बनेगा सुबुद्धि में, तो यहाँ पर ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निम्न में से देखेंगे सही शब्द चुनना है, आदर्श है या फिर ये है बी नंबर या फिर सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, तो आदर्श आपका ये नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कह रहा एक एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर ए नंबर देखेंगे बी नंबर सी नंबर और डी नंबर, तो भाई किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, आविष्कार की वर्तनी आपकी बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी, आविष्कार की आपकी बिल्कुल देवर्षि होता है, देवार्षि नहीं होता है, देवर्षि होता है। निःशब्द में आपका देखिए ये आपका यहाँ पर विसर्ग लगता है निःशब्द हो जाएगा ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे जमाता नहीं होता, जमाता होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अधीन है, आकंठ है, अकस्मात है या फिर आकंठ तांडव है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना आ जाएगा कौन सी शुद्ध हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो शुद्ध हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी बी नंबर आकंठ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका देखिए अधीन नहीं होता है, यहाँ पर आपका अधीन होता है ठीक है ना, अकस्मात होता है, क्या होता है अकस्मात होता है, यहाँ पर अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात वायु होता है ठीक है ना, आकंठ तांडवा नहीं होता, अकंठ तांडवा होता है, अकंठ तांडवा होता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर 30 नंबर इसका राइट आंसर करेंगे, देखिए कहाँ पर लिखा है आसाम कश्मीर गुवाहाटी चेन्नई, तो कह रहा है एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसको आपको चुनना है, तो भाई किसकी शुद्ध सही पर किसकी शुद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है, इसका राइट आंसर करना है कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपकी आसाम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आसाम कश्मीर नहीं होता भाई, ये क्या होता है भाई कश्मीर होता है, क्या होता है कश्मीर होता है, गुवाहाटी नहीं होता गुवाहाटी होता है, क्या होता है भाई इसका गुवाहाटी ठीक है ना, ये चेन्नई नहीं होता है भाई, चेन्नई होता है, क्या होता है चेन्नई। चलिएगा राइट आंसर करेंगे यहां पर आप सभी लोग, कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है भैया, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहां पर आपको बताना है कौन सी, अभ्यात्रिक या स्वतंत्र या फिर सांसारिक या फिर शुद्धिकरण, तो यहां पर देखेंगे आपका अभ्यात्रिक और शुद्धिकरण दोनों सही लिखे हुए हैं, दोनों भाई सही लिखे हैं, स्वतंत्र नहीं होता भाई, क्या होता है स्वतंत्र होता है, क्या होता है स्वतंत्र होता है, और सांसारिक नहीं होता सांसारिक होता है, क्या होता है भाई सांसारिक होता है, क्या होता है सांसारिक, यहाँ पर आपका हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटना है तो कौन सा हो जाएगा, अनुसंगिक होगा अनुसांगिक होगा फिर अनुसंगिक होगा या फिर यहाँ पर डी नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा अनुसंगिक आपका करेक्ट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। 33 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, ए नंबर आशीर्वाद, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, तो 33 नंबर में देखेंगे यहाँ पर आपका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा कौन सा यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, तो देखेंगे आशीर्वाद आपका करेक्ट आंसर सी नंबर वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा, सही रूप है भाई सही रूप है। 34 नंबर देखेंगे इकट्ठा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर बी नंबर सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ देखिएगा इकट्ठा आपका जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर वाला इकट्ठा,
आपका राइट आंसर लिखा है यहाँ पर, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखिए कह रहा है, इनमें से कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए भाई। 35 में आपको अशुद्ध शब्द छांटना है, अनुसंगिक या फिर आध्यात्मिक या फिर ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो यहाँ पर 35 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। जो लोग सी नंबर कर रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल ही ऐतिहासिक आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी देखिए आपका ऐतिहासिक आपका ऐसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिक आपका यहाँ पर ऐतिहासिक, तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक आपका शुद्ध होता है। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, शुद्ध कौन सा है, ईर्ष्या होगा या फिर बी नंबर वाला है, सी नंबर या डी नंबर। तो भाई कौन सा शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे डी नंबर आपका ईर्ष्या क्या हो जाएगा, डी नंबर ईर्ष्या आपका यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका चयन करना है शुद्ध वर्तनी का, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो बिल्कुल देखेंगे कौन सा हो जाएगा, उरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उरण डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, उल्लंघन होगा, मनोरथ होगा, उज्जवल होगा या फिर वत्सल होगा, क्या हो जाएगा। 38 में देखिए कौन सा आपको यहाँ पर बताना है अशुद्ध है, तो भाई उल्लंघन है, मनोरथ है, वत्सल ये तो सही है। उज्ज्वल आपका कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल आपको पता है डबल दा बनती है, तो ये आपका उज्ज्वल आपका कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, निम्न की आपको अशुद्ध बताना है कौन सा भाई अशुद्ध, उद्घोष है, एकता है, तत्कालिक है या फिर उपरोक्त है। तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सा आपको अशुद्ध है, तो बिल्कुल यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, अशुद्ध आपका देखिए कह रहा है उपरोक्त जो है ना, उपरोक्त यहां पर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त आपका शुद्ध हो जाएगा। उपरयुक्त होता है क्या होता है भाई, उपरयुक्त होता है क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे उपरयुक्त होता है क्या होता है, उपरयुक्त आपका करेक्ट आंसर होता है ये वाला। निम्न में से कह रहा शुद्ध वाला शब्द छांटिए, अब देखिए शुद्ध अभी बता चुके हैं इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए जस्ट अभी बताया है क्या हो जाएगा, उज्ज्वल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। कह रहा एक की वर्तनी शुद्ध है भाई, एक की वर्तनी आपकी यहाँ पर शुद्ध है, ये आपको बताना है किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो भाई उन्नयन कौन सा बी नंबर आपका, उन्नयन भाई कौन सा बी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर देखिए यहां पर कह रहा है आपको बताना है चार तरह के लिखिए, तो सही का चयन करें, ए नंबर होगा, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो 42 नंबर में देखिए करेंगे कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो सभी लोग यहां पर राइट आंसर और कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे बी नंबर ऊपर ही लिखित आपका भी क्या हो जाएगा, ऊपर ही लिखित आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बी नंबर इसका राइट आंसर भाई बनेगा। 43 नंबर कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है भाई, 43 नंबर आपका देखेंगे तो यहां पर देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो यहां पर 43 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला देखेंगे कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, तो यहां पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 44 नंबर में आएंगे कह रहा है यहां पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं काफी बार हर जगह हर एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर करना है, तो आपका देखेंगे 43-44 नंबर में आपका उज्ज्वल जो है ना बी नंबर वाला उज्ज्वल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, उज्ज्वल आपका यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है निम्न शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सा सही है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ये भी पीछे बताया था कि आपका यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त नहीं होता, क्या होता, उपरयुक्त आपका डी नंबर वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए इसका भी अभी राइट आंसर पीछे बता चुके हैं, तो इसका भी आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, 46 नंबर का भी राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च श्रृंखला आपका होता है क्या होता है, डी नंबर उच्च श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना शुद्ध शब्द, अब भाई फिर से शुद्ध शब्द बताना है, अभी बताया है क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आपको अहिल्या को आपको बताया था क्या लिखा जाता, अहिल्या लिखा जाता है क्या, अहिल्या ठीक है ना, ये वाला अहिल्या लिखा जाता है,
और यहाँ पर देखिए अनाधिकार दिखाया गया, तो यहाँ पर अनधिकार होता है। अंतर ध्यान का कैसा होता है? अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान होता है क्या होता है? अंतर ध्यान होता है क्या होता है? यहाँ पर अंतर ध्यान होता है बिल्कुल ही। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका धा बनेगा, धा बनेगा, अंतर ध्यान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर वही बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं, डी नंबर उनका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 48 नंबर में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर होगा, बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर भी सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर होगा आपका उत्तरदायी, क्या हो जाएगा? बी नंबर, उत्तरदायी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है, उच्चारण है या फिर उच्चारण है, या फिर उच्चारण है, या फिर उच्चारण है। तो यहाँ 49 में देखेंगे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा उच्चारण आपका सही होगा। देखिए बहुत बार आप सभी लोग लिख रहे होंगे, तो उच्चारण आपका जो है ना, उच्चारण यहाँ पर आपका डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द भाई अशुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है। अशुद्ध आपको बताना है कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, या फिर अनुग्रहित। अभी बताया, बहुत बार बताया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, उत्कर्ष होगा इसका, क्या हो जाएगा, उत्कर्ष होगा, ना कि उत्कर्षता होगा। तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। 41 नंबर देखें, कह रहा है यहाँ पर अशुद्धि नहीं है। किसमें भाई अशुद्धि नहीं है आपका? देखिए बताना है आरोग्य और ईसाई, ओजस्वी, या फिर डी नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपको बताना है अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ओजस्वी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरोग्य ऐसे लिखा जाता है भाई, आरोग्य आप देखेंगे, आरोग्य जो है ना, आरोग्य ऐसे लिखा जाता है क्या, आरोग्य आपका ये वाला होगा, ईसाई आपका ये करेक्ट होगा, ईसाई, ठीक है ना। इसका क्या होता है, आधिता बनेंगे, औतसुक्त होता है, क्या होता है भाई, औतसुक्त होता है, औतसुक्त होता है, ठीक है ना, औतसुक्त होता है। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऋषि है या फिर बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। तो यहां पर आपको शुद्ध करना है, क्या हो जाएगा, तो ऋषि आपका ये नंबर आपका बिल्कुल ही शुद्ध यहाँ पर बन जाएगा भाई। कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 43 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए करना है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, या डी नंबर। तो यहाँ पर आपको कौन सा बताना है, कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बिल्कुल देखिए आपका क्या हो जाएगा, कृति, निकृष्ट और पुरुष। तो यहाँ पर देखिए निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कृति बिल्कुल ही गलत है, कृति आपका गलत है। तो यहाँ पर कृति का क्या होता है, कृति का बोला है इसने निकृष्ट पुरुष। तो कृति देखिए निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ है क्या है, कृतघ्न है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, कृतघ्न हो जाएगा, कृति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर चलिए सभी लोग करिएगा। कह रहा है निम्न में से आपका, कह रहा है उचित शब्द का चयन करें, उचित शब्द का चयन करिएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, या डी नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा भाई, डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, औद्योगिक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द भाई चुनिए भाई, 55 नंबर में शुद्ध शब्द चुनना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, या सी नंबर, या डी नंबर। तो 55 का आपका देखिए ए नंबर, औद्योगिक आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर वही बनेगा। देखिए यहाँ पर आपका सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। एक युग्म का अशुद्ध है भाई, एक युग्म का अशुद्ध है आपको बताना है, 56 नंबर में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया धूम धड़ाका अनुचरण वाचक शब्द, या फिर जूता देश शब्द है, औरत हिंदी शब्द है, या फिर केरल आपका अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ पर आपको 56 में करना है, तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया औरत हिंदी, तो औरत जो है ना भाई क्या है, औरत को हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं, तो औरत भाई थोड़ा हो जाएगा। तो औरत ये किसमें लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है विदेशी शब्द में भाई, किसमें है यहाँ पर, ये आपका विदेशी शब्द में औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द को छांटना है भाई, शुद्ध शब्द को छांटना है, क्या हो जाएगा, कृपा होगा, ए नंबर, बी नंबर, या सी नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा भाई कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो कृपा आपका ये वाला कृपा, सी नंबर वाला कृपा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा 58 नंबर देखिएगा आप सभी लोग, कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यहाँ पर ए नंबर, या बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। जल्दी से अपने अपने राइट आंसर करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखें कर्मनाशा, क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला कर्मनाशा, इसका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है
शुद्ध वर्तनी शब्द आपको यहाँ पर बताना, शुद्ध कलेश कौन सा सही हो जाएगा, कलेश होगा या फिर क्या हो जाएगा, तो कलेश कैसे लिखा जाएगा, तो कलेश का आपको बताना शुद्ध वर्तनी। तो कलेश की शुद्ध वर्तनी जो होती है, कलेश होती है, क्या होती है भाई, सी नंबर होती है, क्या होती है, सी नंबर कलेश आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगी भाई। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना, इसमें कौन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर क्या हो जाएगी, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा या फिर डी नंबर होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे कौन सा राइट आंसर भाई बनेगा, यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो कुमुदनी आपका यहाँ पर देखिए सी नंबर वाला कुमुदनी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से ये कह रहा है एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, भाई एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो उज्ज्वल है, कवित्री है या फिर सी नंबर कवित्री या फिर मोक्ष है, तो कौन सी भाई शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध कह रहा है कौन सी अशुद्ध हो जाएगी, देखिए उज्ज्वल शुद्ध कवित्री भी सही है, तो कौन सा कवित्री, ये वाला कवित्री आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कवित्री का मतलब इसका क्या होता है, जो महिला क्या करती हो, कविता लिखती हो, जो महिला कविता लिखती हो, ठीक है ना, और कवि का मतलब जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि होता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है भाई, यहाँ पर अभी बताया कौन सा भाई शुद्ध हो जाएगा, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 63 नंबर देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करना है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है, शुद्ध कौन सा है 63 में, तो भाई ए नंबर है या बी नंबर, सी या डी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कैतूहल बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैतूहल आपका यहाँ पर जो बनेगा बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको कवित्री का शुद्ध मतलब अभी देखिए बताया कवित्री का शुद्ध जो शब्द है वो आपका कवित्री है, क्या है, कवित्री है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर आपको बताना शुद्ध, शुद्ध भैया यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कृपाण आपका क्या बनेगा, ए नंबर बी नंबर वाला कृपाण बिल्कुल ही सही बनेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक युग्म अशुद्ध है, गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी, कुंजड़ा कुंजड़ी, तो कौन सा भाई अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कुंजा जो आपका दिया है डी नंबर, कुंजड़ा कुंजड़ी आपका करेक्ट था, इसका शुद्ध हो जाएगा कुंजड़ा, अंक चंद्र बिंदु लगती है, क्या लगती है, कुंजड़ा कुंजड़ी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे, शुद्ध कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर वाला गणिष्ठ सही कि बी नंबर वाला, सी नंबर या डी नंबर। तो यहाँ से आपको शुद्ध करना है क्या हो जाएगा 67 में, तो घनिष्ठ आपका यहाँ पर देखिएगा जो आपका बी नंबर वाला है, बी नंबर वाला घनिष्ठ एकदम ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें भाई, किसमें त्रुटि नहीं है, 68 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए किसमें त्रुटि नहीं है, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर, तो छत्र छाया आपका देखिए ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका छत्र छाया बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। 69 का देखिए कह रहा है चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर वाला 36 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 70 देखिए कह रहा है किसकी वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी भाई अशुद्ध है, यहाँ पर देखेंगे कौन सी वर्तनी आपकी अशुद्ध है, तो यहाँ पर निरुनासिक या छिद्रान्वयंसी या फिर सी नंबर या फिर डी नंबर, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर की आपकी यहाँ पर देखिए छिद्रान्वयंसी आपकी सीटी वाली नहीं षटकोण वाली साबंती है, पीछे भी क्वेश्चन देखा होगा आपका ऑप्शन में था। 71 देखेंगे आपका कह रहा है कौन सा भाई शुद्ध है भाई, ए नंबर देखेंगे चीला लीस या फिर छया लीस या फिर बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए नंबर छीला लीस आपका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। कह रहा है शुद्ध वर्तनी है भाई, अशुद्ध कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी बताना है, वर्तनी अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है, 72 नंबर में देखेंगे किसकी अशुद्ध है, ए नंबर ज्योत्सना श्रृंगार उज्ज्वल या फिर अध्यात्म, देखिए श्रृंगार भी आपका सही लिखा है, उज्ज्वल भी सही लिखा है, अध्यात्म भी सही लिखा है, ज्योत्सना आपका गलत लिखा है, तो ये ज्योत्सना जो आपका बनता है तो यहाँ पर ये भी आपकी आदि शाह में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है शुद्ध शब्द है भाई, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द है यहाँ पर 73 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखेंगे शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध होगा जी जी विषा आपका डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है भाई, कौन सी अशुद्ध है यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, अशुद्ध आपकी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जागृत क्या हो जाएगा, जागृत क्या होता है, जागृत होता है, क्या होता है, जागृत होता है भाई, जागृत,
यहां पर आपको बताना है वर्तनी शुद्ध है, अभी बताया पीछे बताया कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए निरोग नहीं होता, आपका बताया था निरोग होता है, क्या होता है भाई निरोग होता है, निरोग होता है अनुग्रहित में आपका। देखिए ये वाला अनुग्रहित क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अनुग्रहित लिखा जाता है तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर जो आपका अभिषिक्त होता है तो अभिषिक्त होता है, यहाँ पर बड़ी की लगता है जी जी विषा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है, जो ज्योतिषाना है या फिर बी नंबर या फिर यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाई शुद्ध लिखा। अभी इसका जस्ट बताया है, जस्ट इसका डिस्कस किया है कौन सा आपका शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका देखिए ज्योत्सना आपका डी नंबर वाला बिल्कुल ही करेक्ट लिखा हुआ है। शुद्ध छाटिए टिप्पणी का आपको बताना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका टिप्पणी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। यहाँ पर आपको सही शब्द पहचानना है कौन सा त्यौहार आपका सही हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा कौन सा शुद्ध है, यहाँ पर आप इसको देखिएगा 79 में कौन सा शुद्ध हो जाएगा, कौन सा भाई शुद्ध है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका तदाम पे बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर लिखा है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही शुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको करना है सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, त्रिदोष है या फिर त्रिदोष है या फिर सी नंबर या डी नंबर, कौन सा त्रिदोष आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका त्रिदोष है ना डी नंबर आपका त्रिदोष आपका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा शुद्ध शब्द रूप है भाई, शुद्ध शब्द रूप है यहाँ पर आपको बताना है दुर्निर्वार या फिर दुर्निर्वार या फिर यहाँ पर देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका शुद्ध रूप हो जाएगा डी नंबर, दुर्निर्वार आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा भाई। यहाँ पर आपको कह रहा है निम्न दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो कौन सा हो जाएगा, दृश्य होगा या फिर बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई कौन सा दृश्य सही होगा, तो यहाँ देखेंगे बी नंबर वाला दृश्य आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध की वर्तनी अशुद्ध, कह रहा है शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है भाई, यहाँ पर देखेंगे क्या है, द्वारिका है, अहिल्या है, आर्ध है या फिर प्रोज्ञा है। देखिए अहिल्या तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर लिखा है, प्रोज्ञा भी लिखा, आर्ध भी सही लिखा है, द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है द्वारका होता है, क्या होता है भाई द्वारका होता है, द्वारका नहीं होता द्वारका होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ए नंबर है बी नंबर या फिर सी या फिर डी। तो बिल्कुल देखिए आपको सही लग रहा होगा बी नंबर, दर्पण आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको बताना कौन सा आपको कह रहा है अशुद्ध, कौन सा शुद्ध है 85 नंबर में, ठीक है ना, अभी बताना है क्या करेगा। देखिए पूजनीय, पूज्य निया नहीं होता है, क्या होता है पूजनीय होता है, पूजनीय होता है पूजनीय, ठीक है। यहाँ पर अहिल्या बताया था आपका क्या लिखना, अहिल्या कैसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान भी बता चुके हैं अंतर ध्यान कैसे लिखा जाता है, द्वारका भी बताया भी, द्वारका आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दुष्चरित व्यक्ति है रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है, दुष्चरित का आपका कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर दुष्चरित आपका ए नंबर इसका राइट आंसर भाई बनेगा। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, तो यहाँ पर 87 का देखिए क्या हो जाएगा आपका दृष्टा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सा शुद्ध वर्तनी का करना है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टा। दृष्टा देखिए यहाँ पर सुसुप्त देख लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है सुसुप्त कैसे लिखा जाता है, ये आपके सुसुप्त ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। सुसुप्त आपका रचयिता ऐसे, रचयिता भाई तो सभी को पता है रचयिता स्टार्टिंग से लिखते आ रही है, रचयिता होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा स्रष्टा। तो स्रष्टा आपका देखिए यहाँ पर ये वाली सरा बनेगा स्रष्टा में ये सरा। इनमें से आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा भाई है, शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है सभी लोगों को, शुद्ध शब्द कौन सा भाई बनेगा। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका देखिए डी नंबर दंपति आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई 89 में देखेंगे, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा, अतिथि होगा, नीरज होगा, पंकज होगा, तो भाई अशुद्ध शब्द यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आपका दौड़ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दौड़ना, क्या होता है भाई दौड़ना होता है, दौड़ना थोड़ी होता है दौड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है,
तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, ए नंबर होगा, बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। तो भाई यहाँ पर जो आपका शुद्ध बनेगा तो ए नंबर वाला बिल्कुल ही राइट आंसर वही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का वही चयन करना है, तो यहाँ पर आपको 91st में देखना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर जो बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर, देदी प्यान आपका बिल्कुल ही डी नंबर राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो बनेगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, चमकता होना, चमकता हुआ या फिर दमकता हुआ इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए नंबर धोबिन है, बी नंबर धोबिन है, क्या हो जाएगा, तो क्या होता है भाई इसका जो आपका शुद्ध होगा तो यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, धोबिनी, क्या कहलाएगा भाई, धोबिनी आपका करेक्ट आंसर ए नंबर आपका यहाँ बनेगा। कह रहा है उसे चिन्ह कीजिए, इसे कह रहा है उसे चिन्हित कीजिए, धूमपान को, या फिर समय सारणी को, या फिर प्रदर्शनी को, या फिर औषधि को। तो 93 को आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पर एक शब्द जो है ना इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे धूमपान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर लिखा है। अब देखिए समय सारणी क्या होता है, समय सारणी होता है, समय सारणी सारिणी नहीं होता, समय सारणी होता है। औषधि आपको सभी को पता है, औषधि औषधि ऐसे लिखा जाता है। प्रदर्शनी आपका देखिए प्रदर्शनी होता है, क्या होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी आपका होता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रदर्शनी, यहाँ पर जो आपका प्रदर्शनी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी हो जाएगा, ठीक है ना, ई नहीं लगेगा, प्रदर्शनी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, शुद्ध दृष्टि से शुद्ध छांटना है तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, नरक होगा, नरक होगा, नरक होगा, या फिर नरक होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर नरक आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए भाई, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो कौन सा हो जाएगा, निश्चेष्ट होगा, या फिर बी नंबर देखेंगे, या सी नंबर, या डी नंबर। तो अशुद्ध यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे बाकी तो सही है, निश्चेष्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चेष्ट आपका किस टाइप से लिखा जाएगा, ये निश्चेष्ट इस तरह लिखा जाएगा, चलिएगा भाई बिल्कुल। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी भाई शुद्ध है, 96 में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा, निरअपराधिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरअपराधिनी बिल्कुल यहाँ पर आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कह रहा शुद्ध शब्द का कौन सा आपको बताना है, शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है यहाँ पर शुद्ध में आपको बताइएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को करना है क्या हो जाएगा, शुद्ध यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, आपका देखिए हो जाएगा निर्भर, क्या हो जाएगा, निर्भर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिन्ह आपका देखें, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, चिन्ह आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिन्ह आप देखेंगे चिन्ह आपका कैसे लिखा जाएगा, चिन्ह आपका इस टाइप का चिन्ह लिखा जाता है, कृपा नहीं होता, कृपया होता, दवाई नहीं होता, दवाइयां होती है। यहाँ पर आपको बताना है कह रहा है वर्तनी शुद्ध बताइए, 98 में आपको कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना नवरात्रि, या बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। तो देखिए उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त होता है, और यहाँ पर देखिए निर्लंब नहीं होता है, तो यहाँ पर होता है निर निरवलंब होता है, निरवलंब वा क्या होता है, निरवलंब होता है, निरवलंब, तो यहाँ पर देखेंगे आपका निरवलंब होता है। अत्यधिक नहीं होता भाई, क्या बताया था, अत्यधिक होता है नवरात्रि, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। इनमें से शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है, इसमें आपका 99 में शुद्ध करना है क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध होगा तो यहाँ पर देखिएगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा, शुद्ध आपका हो जाएगा। 100 नंबर देखें, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो अशुद्ध शब्द आपका बताना है क्या हो जाएगा, परमार्थ होगा, महर्षि होगा, या फिर आशीर्वाद होगा, या फिर सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे परमार्थ आपका, अशुद्ध जो है ना परमार्थ, यहाँ पर ये लिखा है, शुद्ध आपका क्या होता है, परमार्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके